प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, दो बात। आज का वीडियो छोटा सा होगा, लॉन्ग नहीं होगा। आज कोई हम डीप ऑपरेशन नहीं करेंगे। और दूसरी खास बात यह है कि आज का वीडियो बेसिक लर्नर्स के लिए होगा। आज के वीडियो की खास बात यह है कि इसमें इंग्लिश की फेमस मिस्टेक्स के बारे में बताया जाएगा। यानी जो कोई भी अपने इंडिया में इंग्लिश सीखना जब शुरू करता है तो वो अपने सेंटेंस में इन मिस्टेक्स को करता ही करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और एक बात बताऊं, हमारे टीचर्स भाई भ्रम में होते हैं। हमारे टीचर्स जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि जो मैं बच्चों को डाल रहा हूं, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सेम टू सेम बच्चे उसको फटाफट से सीख रहे हैं। बट ध्यान रखना, आप भ्रम में हैं। बच्चे अच्छा एक्ट करते हैं, अच्छा अभिनय करते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं बच्चों को टीचर पर दया आती है कि भाई टीचर पसीने से लथपथ हो रहा है, तमादम बोल रहा है, पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। तो बच्चे सोचते हैं इनका मन रखने के लिए वो अच्छा एक्ट करते हैं। एकटक होकर बोर्ड पे देखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो टीचर को लगता है कि हाँ बिल्कुल सही क्लास चल रही है, बच्चे फटाफट से सीख रहे हैं। बट ध्यान रखना, वो एक भ्रम होता है। अगर उसी टीचर ने माना टेंस पढ़ाए, सेंटेंस बनाना सिखाया, दो चार दिन बाद टेस्ट लिया, तो ध्यान रखना बच्चे ऐसी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं कि टीचर अपना सर पकड़ लेता है कि मैंने तो इतना प्यार से पढ़ाया, इतना समझा दिया, इतना पसीना बहा दिया, और ये क्या मिस्टेक्स हो गई। तो ये वही मिस्टेक्स हैं, इसलिए मैंने नाम दिया है ये फेमस मिस्टेक्स हैं। तो आज का वीडियो शॉर्ट ही होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आप एडवांस लेवल पे हैं फिर भी ये वीडियो देख लीजिए। देखिए, ये पांच ही सेंटेंस है और पांचों में मिस्टेक्स है, गलत है। वो मिस्टेक्स है जो हम बचपन में करते हैं, शुरुआती स्तर में करते हैं। और ध्यान रखना, ये मिस्टेक्स आज के बाद हमें नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो आप इनमें मिस्टेक्स निकालिए, यानी वीडियो को पॉज करो, मिस्टेक निकालो, फिर मैं इनमें मिस्टेक निकाल के दिखाऊंगा। और वीडियो के लास्ट में आपको पांच सेंटेंस देकर जाऊंगा जिनमें मिस्टेक होंगी, आपको निकाल के दोबारा से करेक्ट करके कमेंट में लिखना होगा। तो चलिए अपना काम स्टार्ट कर दो। क्योंकि आपने वीडियो पॉज किया होगा तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वही दो बात है, एक तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो ताकि वीडियो बूस्ट हो, यानी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दूसरी खास बात यह है कि अब आपके महेश गुरुजी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहां पर हमने महेश गुरुजी नाम का एप्लीकेशन बनाया है और उसमें फिलहाल तो एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स डाला है, जिसमें हमने सारी इंग्लिश ग्रामर ए टू जेड सिक्वेंस सीरीज में कवर की है, मतलब डिटेल में और सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में। तो यदि आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश ग्रामर सीखें, इंग्लिश सीखें, तो वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। फोर्स नहीं कर रहा, नाम मात्र की फीस है। यदि आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे वेलकम है, यहां भी हम पूरी दम लगा देते हैं। आज की मिस्टेक्स आज के बाद नहीं होंगी। तो चलिए अब वो मिस्टेक्स निकालते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है सी इज कुक फूड। जो बच्चा शुरुआती स्तर में, कोई भी लर्नर है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, कोई भी है, देखिए हम इंग्लिश को कैसे लेते हैं, वह भोजन पकाती है। दिक्कत क्या है? वह भोजन पकाती है, लेकिन दिक्कत है। देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर इज कुक इंग्लिश में कभी नहीं बनता है, इस बात को नोट कर लो। यानी इज एम आर वाज वर्ब के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती है, मतलब वह भोजन पकाती है इज कुक नहीं आएगा। हाँ, वह भोजन पका रही है इज कुकिंग आ सकता है। अब सही है, इज कुकिंग वह भोजन पका रही है, लेकिन आप तो बोलना चाह रहे थे ना कि वह भोजन पकाती है, तो ये रॉन्ग हो गया। ये स्ट्रक्चर कभी नहीं आता, बस आप ये नोट कर लो कि अगर ऐसा सेंटेंसेस में ताहती आ रहा है तो उसमें इज एम आर नहीं दिखेगा, उसमें जो मेन वर्ब है ना वही सी कुक्स फूड, वह भोजन पकाती है। तो मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है अथवा उसमें एस और यस लगा हुआ है, वही ताहती है बोल देगा। आप ऐसा मत समझा करो कि है हूं है की आवाज इज एम आर से ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी आ जाती है, हैज हैव से भी आ जाती है, मतलब प्रेजेंट कई चीजों से बन जाता है। तो सी कुक्स फूड, ये हमारा पहला सेंटेंस था। आई एम नॉट राइट अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं, ठीक है। गलती क्या है? हम सोचते हैं कि इज एम आर तो है हूं है के पर्यायवाची है, जहां भी अंत में है हूं है आया, हमने इज एम आर लगा दिया और बस यही मिस्टेक हो जाती है। तो यहां पे ध्यान रखना, हमें थोड़ी टेंस की नॉलेज होनी चाहिए कि मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। तो ध्यान रखो, जब सेंटेंस के अंत में हिंदी में ता है, ती है, ते है, ता हूं आ रहा है ना, तो उस सेंटेंस में इज एम आर आएगा ही नहीं। इस बात को आप वीडियो को पॉज करके भले ही नोट कर लो, मतलब ता है, ती है, भले ही है आ रहा है पर इज एम आर नहीं आएगा। देखिए, अगर सेंटेंस सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईएस लग जाएगा, यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब डू डज आएंगी। तो हमको है हूं है को डू डज से दिखाना पड़ेगा, यानी जब डू डज लगा देते हैं ना, तब भी है हूं है बोल देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है हूं है बोल देगी। तो आई एम नॉट राइट अ लेटर, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हां, ये सही हो सकता है, यदि मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो यहां पे देखिए आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, अब ये करेक्ट है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आप इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में ले सकते हो। कब लोगे? जब सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए, तो आप इज एम आर को ले सकते हो। लेकिन ता है, ती है, ते है आने पर आप इज एम आर को नहीं लोगे, इस बात को नोट कर लो। तो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर सही है, लेकिन आप कहना चाह रहे थे कि मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं, तो आपको ये एम हटा करके
और डू लगाना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है ही वाज गो टू दिल्ली यस्टरडे, देखिए वह कल दिल्ली गया और था, ठीक है। जिस तरह से इज एम आर हमारे पर्यायवाची हैं हूं हैं के, उसी तरह से हमारी नजर में जब भी था थी थे हमको वही दिखता है तो हमको वाज वर नजर आ जाता है और हम सेम मिस्टेक दोहरा देते हैं। ध्यान रखना जो चीज इज एम आर के साथ है वही वाज वर के साथ भी है, यानी जब किसी सेंटेंस के अंत में था थी थे आ रहा है तो जरूर नहीं कि वो वाज वर से ही कवर होगा, ऐसा नहीं है। वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म से हो जाता है, वो डिड से हो जाता है। ध्यान रखना यदि किसी सेंटेंस के अंत में था थी थे आ रहा है या आई ए भी आ सकता है, जैसे वह गया था या वह गया एक ही बात है, तो ध्यान रखना ऐसी स्थिति में यदि सेंटेंस सिंपल है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, वो भी था थी थे बोल देगी, या फिर यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो हम डिड का यूज करते हैं। लेकिन हम बोले रहा था, रही थी, रहे थे, तब हम वाज वर्ब का यूज करते हैं, यानी सेम प्रोसेस है। तो देखिए ही वाज गो टू दिल्ली यस्टरडे रॉन्ग है, वह कल दिल्ली गया था, लेकिन वह कल दिल्ली जा रहा था तब ये सही होता ही वाज गोइंग। मतलब रहा था, रही थी, आए तो आप वाजवर लगाओगे, लेकिन केवल था थी थे है तो सेकंड फॉर्म से काम चल जाता है। तो ही वाज गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे, वह कल दिल्ली जा रहा था, अब ये करेक्ट है। लेकिन वह कल दिल्ली गया था तो यहाँ पे वाज को हटा दो, ही वेंट, सेकंड फॉर्म हमारी था थी थे बोल देगी, यानी पास्ट का कर देगी। तो ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वह कल दिल्ली गया था, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए ही वाज नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, देखिए आपने मिस्टेक क्यों की, वह कल दिल्ली नहीं गया था, मतलब वाज है मतलब था है, तो ध्यान रखना सेम वही बात है, यानी अब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब नहीं लगाते। सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, यानी डिड भी था थी थे निकाल देगा। तो ही वाज नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, सबसे पहली बात तो इसमें वाज आ सकता है कब, यदि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव होता, जैसे ही वाज नॉट गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे, वह कल दिल्ली नहीं जा रहा था, अब हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, रहा था, तो रहा था रही थी निकले तो आप वाज वर्ब का यूज कर सकते हो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, लेकिन रहा था रही थी नहीं आए तो फिर आप वाज वर्ब का यूज नहीं करोगे। तो ही वाज नॉट गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे, अब ये करेक्ट है, लेकिन आप कह रहे थे कि वह कल दिल्ली नहीं गया था, तो वाज हटाइए और डिड का यूज कीजिए, सॉरी ही डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, वह कल दिल्ली नहीं गया था। अच्छा एक मिस्टेक और आप करते हो, आपको कई बार डिड का तो पता लग जाता है लेकिन डिड के साथ भी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हो, जैसे ही डिड नॉट वेंट, ये भी एक मिस्टेक है, ही डिड नॉट वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ध्यान रखना डिड के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अभी हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ कि वह कल दिल्ली नहीं गया था, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और अगला है आई हैव नॉट अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है। देखिए हमारे पास प्रेजेंट में कोई चीज़ है, मतलब पजेशन दिखाने के लिए, स्वामित्व हक दिखाने के लिए हम प्रेजेंट में हैज हैव का यूज करते हैं और पास्ट में हैड का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है आई हैव अ कार, मेरे पास एक बुक है आई हैव अ बुक, ठीक है। अब पास्ट में मेरे पास एक कार थी आई हैड अ कार, मेरे पास एक घर था आई हैड अ हाउस, मेरा एक दोस्त था आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक भाई था आई हैड अ ब्रदर, इस तरह से। प्रेजेंट में आई हैव अ ब्रदर, ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ, यानी प्रेजेंट में हक दिखाने के लिए, पजेशन दिखाने के लिए कोई चीज़ हमारे पास है हैज हैव का यूज करेंगे, पास्ट में थी हैड का यूज करेंगे। लेकिन जब हम इनका नेगेटिव बनाते हैं कि प्रेजेंट में कोई चीज़ नहीं है या पास्ट में कोई चीज़ नहीं थी, तो हम नॉट को जस्ट हैज हैव या फिर हैड के बाद लगा देते हैं, जो कि एक बड़ा मिस्टेक है। तो आई हैव नॉट अ कार, ये बिल्कुल रॉन्ग है और बहुत सारे लोग ऐसे ही लिखते हैं। ध्यान रखना जब आप कहते हो ना मैं एक कार रखता हूँ आई हैव अ कार, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे देखिए आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मैं एक कार रखता हूँ, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है और हैज हैव आपको पता है कि मैन वर्ब का काम भी करती है, हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है। जब ये मैन वर्ब का काम करती है तो पजेशन दिखाती है कि मैं एक कार रखता हूँ या मेरे पास एक कार, मतलब कोई चीज होना दिखाती है, और वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप नेगेटिव बना रहे हो कि मैं कार नहीं रखता हूं या मेरे पास नहीं है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, जो कि डू और डज होती है। चूंकि यहां पे हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ आप क्या लगाओगे, डू, तो आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है, ठीक है, या मैं एक कार नहीं रखता हूं, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। तो ध्यान रखना ये मिस्टेक मत करना। हां अगर ये पास्ट का होता तो देखिए पास्ट का होता तो क्या होता, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, ठीक है। अब आपने गलती क्या करोगे, आई हैड नॉट अ कार, मेरे पास एक कार नहीं थी, ठीक है, ये गलती है। सही कैसे करोगे, अब चूंकि पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सिंपल है, नेगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लाओगे, डिड, क्या लिखोगे आप, आई डिड नॉट, अब डिड के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई डिड नॉट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं थी, ठीक है, डिड नॉट हैव,
ध्यान रखना इस तरह से, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मल सी 5 मिस्टेक्स थी जो आप मोस्ट ऑफ करते हो, मतलब मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने वीडियो बना दिया। कहने का मतलब है ऐसी छोटी छोटी गलतियां करने से बचो और सेंटेंस को करेक्ट करना सीखो। ध्यान रखना इज एमआर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आता, वाज वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आता, ये बड़ी मिस्टेक है, ऐसा होता ही नहीं है। इज एमआर के साथ अगर आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, वाज वर्ब के साथ अगर कुछ आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, या फिर पैसिव में आ सकते हैं। अब पैसिव में मान लो इज एमआर आएगा तो थर्ड फॉर्म आएगी इसके साथ, जैसे फूड इज कुक्ड, भोजन पकाया जाता है। तो देखिए इज आ गया, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भोजन पकाया जाता है, एक इज एमआर इस तरह से आ सकता है, या फिर पास्ट में फूड वाज कुक्ड, भोजन पकाया गया था। तो देखिए आपका ये फेमस ये रहा वाज फेवरेट, वाज फेवरेट इज एमआर, ठीक है। ये भी एक स्ट्रक्चर बनता है पैसिव में, इज एमआर प्लस थर्ड फॉर्म वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, इज एमआर प्लस आईएनजी फॉर्म वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। लेकिन इज एमआर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आएगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर और भी हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस में मुझे ये करना है, तो देखिए जैसे आप कह सकते हो ही इज टू गो, उसे जाना है, तो इज टू गो इस तरह से आ सकता है, लेकिन इज गो कभी नहीं आएगा। यहां पे देखिए टू बीच में फंसा हुआ है, ही इज टू गो, उसे जाना है, उसे जाना था, तो आप ये लिख सकते हो ही वाज टू गो, ठीक है। उसे पढ़ना था ही वाज टू रीड, उसे लिखना था ही वाज टू राइट, उसे खेलना है ही इज टू प्ले, तो टू इज टू प्ले इस तरह से आ सकता है, लेकिन इज प्ले नहीं आएगा, ठीक है। अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि अगर जो आप है के लिए जेमार को ले आते हो, था थी के लिए वाज वर्ब को ले आते हो, जो मिस्टेक्स है, तो आपको करना क्या है, देखिए इस वीडियो से थोड़ा क्लियर होगा। आप टेंस पढ़िए डिटेल में, ठीक है, वहां ये चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी कि भाई था थी सिर्फ वाज वर्ब से नहीं होता, डिड से भी होता है, हैड से भी होता है, सेकंड फॉर्म से भी होता है, और जो है हूं है की आवाज है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म में एसी एस लग रहा है फिर भी आ जाती है, डू डस से आ जाती है, हैज हैव से आ जाती है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। अब मैं ये मिटा के आपको थोड़ा सा काम दे रहा हूं, मतलब 5 सेंटेंस और दे रहा हूं जिनमें मिस्टेक होगी, जो आपको ठीक करके कमेंट में लिखनी है, ठीक है। तो चलिए जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको छोटा सा काम देकर जा रहा हूं, आज मैंने अभी जो आपको पढ़ाया बस उसी के आधार पर ये 5 सेंटेंस इनमें मिस्टेक्स है, यानी ये गलत है, अब आपको करेक्ट करके नीचे कमेंट में लिखना है। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, पहला है सी डज नॉट राइट अ पोयम, आई नॉट वॉच टीवी, तीसरा है रवि डिड नॉट रोट अ लेटर, चौथा है सी वॉज बॉट अ कार लास्ट वीक, और पांचवा हैव यू अ कार। यानी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया बस उसी के आधार पर यदि आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तो आप ये बिल्कुल करेक्ट कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, कोई लॉन्ग वीडियो मेरा बनाने का इरादा नहीं था, बस ये छोटी सी जानकारी देनी थी कि भाई ये गलती हम मोस्ट ऑफ करते हैं। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।